मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। लोकसभा के पटल पर आने वाले वित्त वर्षों के लिए सरकार का बजट पेश किया। इसमें गांव, गरीब, किसानों और व्यापारियों के लिए बड़े ऐलान किए गए। आइए आपको बताते हैं देश के बही खाते की कुछ खास बातें। अभी तक मैंने जो बजट देखा है, अभी बजट सत्र चल रहा है, वित्त मंत्री का भाषण भी चालू है, लेकिन अभी जो देखने में आया है, मुख्य तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर को देखते हैं जी। तो ये प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट है जी। इसमें 45 लाख के प्रॉपर्टी खरीदने पे 3.5 लाख रुपए की छूट दी जा रही है सरकार की तरफ से जी। ब्याज पे छूट है। बजट से बहुत अपेक्षा मोदी सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि आम जनता ने मोदी सरकार को चुना है ना कि पार्टी से इस चीज़ का कोई संबंध है जी। मोदी सरकार से ये अपेक्षा है कि जो गरीब तत्व के बच्चे हैं, जो आज स्कूलों में जिन्हों की फीस के कारण से बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं जी, है ना, और वो बच्चे ब्रिलियंट है जो पढ़ने में हैं, पर उन पैसे के कारण से वो देखिए, राहत तो इसमें काफ़ी है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है, गांव देहात तक अनिवार्य रूप से बिजली, पानी और सड़क पहुँचाना, ये केंद्र सरकार का बड़ा कदम हो सकता है। बैंकों का NPA घटा है 1 लाख करोड़, ये भी बड़ी बात निकल करके सामने आई है। मिडिल क्लास को जो घर लेने पर छूट देने का जो प्रावधान है वो बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए आगे। स्वास्थ्य सेवाओं में अभी और कुछ करने की गुंजाइश है। स्वास्थ्य सेवाओं में हालांकि आयुष्मान योजना चल रही है, लेकिन आयुष्मान योजना के होते हुए भी कई लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान योजना में नहीं हैं और इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाया गया है, 78% तक डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है जी। तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया बढ़ाया गया है, तो ये आम जनमानस को थोड़ा सा महंगा जरूर लगेगा, लेकिन सरकार की आय का चूंकि ये प्रमुख स्रोत होता है, तो मेरा मानना है कि ठीक है अगर बढ़ोतरी की गई है। तो आज जो भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है जी, मैंने जो अभी तक जो बजट देखा है जी, उसके अंदर किसानों के लिए जो उन्होंने निर्णय लिए हैं अच्छा है, क्योंकि देश की अधिकतर आबादी जो है किसान उसमें रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में, और देश का जो किसान जब तक सक्षम नहीं होगा अन्य लोग थोड़े से होंगे, किसानों के लिए जितना अच्छा है उतना अच्छा रहेगा। हिसाब से भी अभी तो बजट चल रहा है, जितना मैंने देखा है, अभी पूरा जब तक सामने नहीं आएगा तब तक उसके बारे में नहीं बता। और इस बार के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो हैं अच्छा बजट पेश कर रहे हैं। मोदी सरकार 2 द्वारा जो आज बजट लोकसभा में पेश किया गया सीतारमण द्वारा, वो दिशाहीन और अनुचित बजट, निराशाजनक बजट आम जनता को पेश किया गया है। इसमें ना तो शिक्षा के प्रति कोई नए आयाम, नई मंजिलें छूने और शिक्षा जगत में नए लोगों को मौका मिले, ऐसा कोई शिक्षा में प्रावधान नहीं किया गया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटियां बढ़ा दी गई है, जिससे आने वाले समय में महंगाइयां बढ़ेगी, और रेल मार्ग को निजीकरण कर उन्हें प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द करने के लिए एक सुनियोजित लूट की योजना केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है, जिससे आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं। और अभी बड़े पुलवामा कांड के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के कई विश्वविद्यालय देश में डाले जाना थे, जो देश हित के लिए थे, जिसकी कोई केंद्र सरकार द्वारा नई कार्य योजना नहीं बनाई गई, केंद्रीय विद्यालयों की भी नई स्थापना की कोई बात नहीं की गई, ना स्वास्थ्य के प्रति इस सरकार ने कोई बड़ी जागरूकता का विषय लिया। किसानों की फसलों को जो रंगनाथन कमेटी द्वारा जो सिफारिशें की गई है, उनका सरकार द्वारा पूर्ण पालन करने की बजाय एक छोटा सा जम्बूरा टाइप दिया गया है, जो किसान आने वाले टाइम में अपनी फसलों को अगर उचित दाम नहीं मिलेंगे तो खुद इस बजट के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हुए देश में दिखेंगे। किसान के हित में सारी चीजें अच्छी करी है, और छोटे दुकानदारों के हित में जो उन्होंने योजना लागू करी वो भी बहुत बढ़िया है, गृहणियों के हित में जो करी बहुत अच्छी है, और रेलवे वगैरह के सबके देश में सब चीज उन्होंने 5-5 रुपए कम करने की घोषणा करी, उछाल क्या है। तो स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने स्वास्थ्य वाला बीमा 5 लाख तक का दे ही तो रहे योजना का, एक परिवार का 5 लाख तक का इलाज कर सकते हैं। नहीं, ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है जी, ये इस योजना का लाभ ना दे रहे, कारण इनको ऐसा नहीं हो कि मोदी जी को लाभ मिल जाए इस बजट से।